तो मजलिस यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि मजलिस का मेयर डिप्टी मेयर यहाँ पे बन सकेगा? देखिए वो तो आगे की बात है, अहम बात यह है कि कितने इलाकों की नुमाइंदगी आप मजलिस के हवाले करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। मजलिस ये नहीं है कि महापौर के पीछे भाग रही है कि मेयर हमारा बनेगा या डिप्टी मेयर। मजलिस कभी भी मतलब इस तरह की कुर्सियों के पीछे भागने वाली पार्टी नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वरना आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पे तेलंगाना की सरकार के अंदर एक बड़े ओहदे के ऊपर, बड़े मंत्री पद के ऊपर रह सकते थे, लेकिन कभी भी वो कुर्सियों के पीछे गए नहीं है। कोशिश यही है कि जितनी ज़्यादा नुमाइंदगी कर सकते हैं उतनी नुमाइंदगी करने का मौका दे। काम बहुत करने के लिए बाकी है, सबको मालूम है कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं महाराष्ट्र के अंदर देखता हूँ, मैं खुद MP चुनकर आया हूँ, लेकिन हर काम के अंदर मेरी रुकावट तैयार की जाती है। कभी कांग्रेस वाले रुकावट पैदा करते हैं, कभी NCP वाले करते हैं, कभी सेना भाजपा वाले करते हैं। ऐसे में आपके इलाकों के काम करना कुछ दिक्कतें तो ज़रूर आती है, क्योंकि आपके हर कोई दुश्मन है आपका, कोई भी आपको अपना खरीब का नहीं मानता है। तो ऐसे हालात के अंदर